गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस कंप्यूटर क्लास. दिस इज रवि कुमार. आई हार्टली वेलकम्स यू ऑल इन दिस कंप्यूटर क्लास. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. एंड इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट टक्स पेंट एज रिविजन क्लास. डियर स्टूडेंट्स, I also hope you remember me and my topics that we have learnt in the together in the previous classes. Dear students, you all know very well about tux pent. आप लोग tux pent के बारे में बेहतर जानते होंगे कि हमने पिछली क्लासेस में tux pent पढ़ा है. लेकिन इस बार का जो tux pent मैं लेके आया हूँ वो होगा आपका revision class. और इस रिवीजन क्लास में हम टक्स पेंट का टोटल मैं ये प्रैक्टिकली आपको चीज़ें दिखाऊंगा. इसमें समझाने के लिए बहुत कम चीज़ है, ज़्यादा हमको इमेजेस के थ्रू जो है लर्निंग करनी होगी. क्यों? क्योंकि बच्चों, ना तो मैं आपके नज़दीक में हूँ ना आप मेरे नज़दीक में हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझनी होगी. कंसंट्रेशन लगा के मैं सभी चीज का वीडियोस इमेजेस आपको बारी बारी से दिखाऊंगा. सो लेट्स बिगिन. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे टक्स पेंट. ये टक्स पेंट का इंटरफेस कैसे दिखेगा. टक्स पेंट का इंटरफेस यानी इसका, जब आप इस सॉफ्टवेयर को, ड्राइंग सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कैसे. कुछ इस तरीके से दिखेगा. नीचे देख सकते हैं, पिक ए कलर एंड ए ब्रश शेप्स टू ड्रॉ विथ. ये नीचे कुछ कलर्स दिया गया है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिया गया है. आप जब ओपन करेंगे टक्स पेंट तो बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखेगा, सेम डिट्टो ऐसा दिखेगा. नीचे कुछ कलर्स दिया गया है जो आप देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ टूल्स मेन्यू दिया गया है. इस टूल्स मेन्यू के अंदर में यहाँ देख सकते हैं, पेंट, स्टैम्प, लाइन टूल, शेप टूल, टेक्स्ट टूल, मैजिक टूल, अंडो टूल, रीडू टूल, इरेजर, न्यू टूल, ओपन टूल, सेव टूल, प्रिंट टूल, क्विट टूल. इतने ऑप्शंस आपको, सारे टूल्स आपको दिए गए हैं और इन सभी टूल्स का बारी बारी से आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे. किस टूल का कहाँ कब कैसे ज़रूरत पड़ती है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा. क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये स्पेशल छोटे बच्चों के लिए होता है. जो इस टक्स पेंट में आपको क्रिएटिव इमेजिनरी ड्राइंग्स आप कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे छोटे बच्चों को पेंट्स के बारे में नॉलेज होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि बच्चे पेंटिंग का बड़ा शौकीन होते हैं. पेंटिंग पेपर पे तो करना ईजी है क्योंकि सब कुछ आपके पास रहता है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें पेंटिंग कंप्यूटर में करना होगा. तो कंप्यूटर में भी करना बहुत ईजी होता है. हकीकत में तो कलर्स आपके ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कभी ख़त्म नहीं होगा कलर. ना कलर ख़त्म होगा, ना इसका पेंसिल इरेजर ख़त्म होगा, ना पेज ख़त्म होगा, ना पेज खरीदने की झंझट है. इसमें बड़ा ही मज़ेदार तरीके से हम इसमें पेंटिंग करेंगे और आपने किया भी होगा. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टक्स पेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है. माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सिंपल पेंटिंग सॉफ्टवेयर है. लेकिन ये जो टक्स पेंट है ये थोड़ा सा क्रिएटिव, फनी एनिमेशंस, इमेजिनरी लाइन्स, थोड़ा एट्रैक्टिव वे में इसमें पहले से डिफॉल्टेबल दिया गया है. इसलिए ये टक्स पेंट थोड़ा सा एट्रैक्टिव ड्राइंग प्रोग्राम है. प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपके टूल्स बॉक्स, टूल बॉक्स दिया हुआ है. बारी बारी से सभी टूल्स लेंगे. ये आपका ड्राइंग एरिया है पूरा, इसमें ड्राइंग करने के लिए. नीचे कलर्स दिया गया है, यहाँ पर कुछ ब्रशेस दिया गया है, देख सकते हैं ब्रश का शेप कैसे कैसे लेंगे. एम आई राइट? नेक्स्ट चलते हैं.
डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज टक्स पेंट। प्यारे बच्चों, टक्स पेंट इज ए पेंट प्रोग्राम डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स। टक्स पेंट इज ए पेंट प्रोग्राम डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स। इट हैज मैनी रेडीमेड टूल्स दैट हेल्प देम टू मेक ब्यूटिफुल ड्राॅइंग्स। टक्स पेंट इज ए पेंट प्रोग्राम डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स एंड इट हैज मैनी रेडीमेड टूल्स। रेडीमेड टूल्स मीन्स इट हैज ऑलरेडी, इसमें पहले से कुछ रेडीमेड टूल्स दिए गए हैं जो आपके ड्राॅइंग्स को बड़ा ही ब्यूटिफुल तरीके से बनाएगा, मदद करेगी। टक्स पेंट प्रोवाइड्स वेरियस क्रिएटिव टूल्स। टक्स पेंट प्रोवाइड्स मीन्स ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है कुछ वेरियस क्रिएटिव टूल्स, कुछ क्रिएटिव टूल्स दे रहा है। फनी एनिमेशंस एंड मैजिकल इफेक्ट्स, यही डिफरेंस है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में और टक्स पेंट में, कि टक्स पेंट प्रोवाइड्स वेरियस क्रिएटिव टूल्स, फनी एनिमेशंस एंड मैजिकल इफेक्ट्स विच मेक इट वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर। सबसे बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर है ये आपका। जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टक्स पेंट में जो डिफरेंस दिखाने की चीज़ें हैं उसमें आपको यही बेस्ट मिलेगा, कि टक्स पेंट प्रोवाइड्स कर रहा है वेरियस क्रिएटिव टूल्स और माइक्रोसॉफ्ट पेंट वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल पेंट प्रोग्राम है, इसीलिए वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, इस टक्स पेंट में जो आप ये सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं टक्स पेंट का, इस टक्स पेंट में कुछ मैं ड्राइंग्स आपको दिखाना चाहूँगा जो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के ड्राइंग्स आप इसमें कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, ये मैंने एक ये टोटोटाइज बनाया है और यहाँ पे कुछ सीन्स दिए गए हैं, पेड़, ये कांटेदार पेड़, ये कैक्टस ट्री, ये टोटोटाइज, ये सैंड में चल रहा है ना, तो ये आप इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ कलर्स भी दिया गया है, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये पेंगुइन है, ये लॉयन है, ये कॉक है, ये क्रो, ये कुछ इस टाइप के भी ड्राइंग्स आप कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव एनिमेशंस। ऐसे कुछ क्रिएटिव एनिमेशंस आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, एक मैंने डिज़ाइन भी तैयार किया है अपने हाथों से। इसमें ये सन है, ये कुछ ट्री बना दिया गया इस तरीके से, ये आपके बादल हैं, हैं कुछ, एक लड़की है या जो गर्ल है जो जा रही है कहीं पर, तो इस टाइप के भी ड्राइंग्स आप इसमें कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये ड्राइंग प्रोग्राम जो है बड़ा ही अट्रैक्टिव है। जितना आप इसमें ड्राइंग करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो इस ड्राइंग प्रोग्राम को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम इस ड्राइंग प्रोग्राम को ओपन कैसे करेंगे। हाउ टू ओपन टक्स पेंट, हाउ टू ओपन टक्स पेंट, टक्स पेंट को कैसे ओपन करेंगे कंप्यूटर में। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन जो राइट हैंड साइड में होता है, फिर ऑल प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स, फिर टक्स पेंट, फिर टक्स पेंट विंडोवेड। विंडोवेड का मतलब जो स्क्रीन टक्स पेंट की ओपन होगी उसी को कहा गया है इसमें टक्स पेंट विंडोवेड, एम राइट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद करना होगा, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स और टक्स पेंट। प्यारे बच्चों, स्पेलिंग्स पे विशेष ध्यान देंगे, ट्राई टू लर्न योर स्पेलिंग्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड पेंट।
यूजिंग टूल्स इन टेक्स्ट पेंट। अब इस हमारे ड्राइंग प्रोग्राम टेक्स्ट पेंट में कुछ टूल्स लिया गया है, उस टूल्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है शेप्स टूल, इरेजर टूल, न्यू टूल, ड्रिप मैजिक, एजेस इफेक्ट, फोम इफेक्ट, ग्रास इफेक्ट, नॉइज इफेक्ट, रेनबो इफेक्ट एंड रियल रेनबो इफेक्ट, स्मेजेस इफेक्ट, वेवलेट इफेक्ट, वेवलेट्स इफेक्ट। मीन्स ये सारे टूल और इफेक्ट आपको इस टक्स पेंट में दिखाई देंगे, यही इसका मेन पर्पज है और इसमें कुछ भी नहीं दिया है। टक्स पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है जो आप लोग देख रहे हैं और इस ड्राइंग प्रोग्राम में ये सारे इफेक्ट्स और ड्राइंग्स आपको इसमें करने होंगे। सबसे पहले दिया है शेप टूल। शेप टूल के मतलब आकार टूल, जिसे आप डिफरेंट टाइप्स के शेप्स दे सकते हैं, उसके लिए कहा गया है शेप टूल। नाम से ही जब मालूम चल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के शेप्स लाइक स्टार, बैनर्स, मून, सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस टाइप के कुछ ड्राइंग्स जो आप शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेजर टूल। अनवांटेड पार्ट्स ड्राइंग में ऑब्जेक्ट के अनवांटेड पार्ट्स को इरेज करने के लिए इरेजर दिया गया है। थर्ड है न्यू टूल। न्यू टूल का मतलब होता है मीन्स न्यू पेज, एक नया पेज आप ले सकते हैं। ड्रिप मैजिक, ड्रिप मैजिक का मतलब जैसे पानी किसी लेटर में से कैसे पानी गिर रहा है, इस टाइप के कुछ एनिमेशंस आपको दिखाई देंगे, इसमें पहले से दिया हुआ है जिसको कहा गया ड्रिप मैजिक। आप कुछ चीज़ लिखेंगे और उसमें से आपको लग रहा है कि उस लेटर में से पानी गिर रहा है, तो उसको कहा गया है ड्रिप मैजिक। एजेस इफेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में कॉर्नर कॉर्नर पे एजेस इफेक्ट्स आपको दिखाई जाएगी, मैं भी दिखाऊंगा सभी चीज़ का एग्जांपल्स दिखाऊंगा। फॉर्म इफेक्ट, आप फॉर्मिंग कुछ इमेजेस इसमें दिखाई जाएगी। ग्रास इफेक्ट, घास से रिलेटेड। नॉइज इफेक्ट, रेनबो, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ड्रिप टूल, टक्स पेंट लिखा हुआ है, ऊपर लर्निंग लिखा हुआ, देखिए ये वाला हिस्सा लग रहा है कुछ मैजिक टूल इसमें दिखाया गया। ये सब चीज़ आपके ड्रिप मैजिक से हुआ, ये मैजिक टूल ये दिखा रहा है टूल बॉक्स में, तो ये है आपका ड्रिप टूल। नेक्स्ट ये आपका है एजेस इफेक्ट। आप समझेंगे एजेस इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए ये देख सकते हैं बिफोर यानी पहले, पहले की डायग्राम में कंप्लीट कलर दिया हुआ है। आफ्टर अप्लाइंग एजेस इफेक्ट, इस ड्राइंग, ये ड्राइंग और वो ड्राइंग सेम है, फर्क बस उसमें भरा हुआ है और ये एजेस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद देखें ये एजेस इफेक्ट। ये है आपका फोम इफेक्ट। ये ड्राइंग आपको दिखा रहा है कुछ रिवर है, इस तरीके से रिवर आ रही है और इस रिवर में यू विल एबल टू वॉच दिस फोम्स, ये कुछ फोम्स बने हुए हैं यहाँ पे, सो दिस वन इज कॉल्ड फोम इफेक्ट। ये आपका मैजिक ग्रास इफेक्ट है। ये डायग्राम कुछ ग्रास इफेक्ट को बताएगा, देख सकते हैं कुछ ग्रास है यहाँ पे, ये भी नदी आ रही है और ये ग्रीन ग्रीन ग्रास यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दिस इज योर ग्रास इफेक्ट। नेक्स्ट दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉइज इफेक्ट, यू आर ऑल्सो एबल टू टेक सेम थिंग। ये आपकी रिवर जा रही है और रिवर के इस तरफ में आप देख सकते हैं नॉइज इफेक्ट, कुछ ये नॉइजिंग स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये डायग्राम आपको नॉइज इफेक्ट के बारे में शो कर रहा है। ये वेव्स इफेक्ट है, वेव्स ये आप देख सकते हैं ये कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, तो इसको बोला गया है वेव्स इफेक्ट। ड्राइंग्स में आप इसको बना सकते हैं, जैसे समुद्र की लहरें जो आती हैं, है ना, उन लहरों को ये वेव्स इफेक्ट बनाया गया है इस तरीके से।
ये वेवलेट्स इफेक्ट्स कुछ तेजी से जो थपेड़े आते हैं उसके लिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे, वो ऐसे ऐसे था, ये ऐसे ऐसे जो ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये उसके लिए बनाया गया है वेव इफेक्ट, वेवलेट्स इफेक्ट। इसमें दो तस्वीर दिखाई गई है, एक है रेनबो इफेक्ट, एक है रियल रेनबो इफेक्ट। रियल रेनबो में आप देख सकते हैं रियल रेनबो कलर आपको यहां पे दिखाई जाएगी, आप अपने ड्राइंग में रियल रेनबो इफेक्ट दिखाएंगे और ये है रेनबो, केवल रेनबो कलर शो होगा यहां पे। तो मेरे प्यारे सभी बच्चों, ये तो था कुछ टक्स पेंट के बारे में सिंपल ड्राइंग से रिलेटेड सारी नॉलेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली अगली वीडियो में सभी टूल्स और इफेक्ट्स की डेफिनेशंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको इफ यू आर अनेबल टू कीप योर कॉन्सेंट्रेशन और एनी टाइप ऑफ यू हैव ए डाउट, जस्ट पुट अप योर क्वेश्चंस इन माई कमेंट बॉक्स फॉर डिस्कस। ओके, थैंक यू।